अंतरिम बजट का सीजन आ रहा है। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। एक तरीके से ये आखिरी बजट भी है और इस बजट में मोदी सरकार के सामने मौका है कि वो अपनी उपलब्धियों का कितना बढ़िया कारोबार करके गई है। इस कारोबार का आकलन करने के लिए सबसे सटीक जो पक्ष हमको देखने को मिलता है वो सरकार ने अपने कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल के दौरान वित्तीय घाटे पर किस तरह से काबू पाया। वित्तीय घाटा मतलब सरकार ने कमाई कैसे की, राजस्व कैसे बटोरा और उसे किस हिसाब से खर्च किया और उन दोनों में कितना बैलेंस उसने 5 साल तक बना करके रखा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया टुडे के संपादक अंशुमान तिवारी जी। सर, वित्तीय घाटे के मुद्दे पर सरकार को कैसे आंका जाएगा? आखिरी नंबर्स जो हमारे पास आएंगे, क्योंकि घाटा हमेशा 1 साल बाद पता चलता है। सरकार एक लक्ष्य रखती है, फिर उसे हासिल करने की कोशिश करती है और उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घाटा सरकार के कुल खर्च, कुल राजस्व का अंतर होता है और जितना अंतर होता है वही सरकार के कर्ज की ज़रूरत होता है, जिसको हम राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा कहते हैं। सरकार के राजस्व के रास्ते होते हैं कि वो टैक्स से भी राजस्व लेती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी लेती है। सरकार की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो जो मुनाफा कमाती हैं, उस मुनाफे में जो सरकार को हिस्सा देती है, उसमें रिजर्व बैंक भी शामिल है, वो सरकार के राजस्व का हिस्सा होता है और सरकार खर्च कई तरीकों से अलग अलग करती है। शुरुआत से जब 2014 से सरकार चली थी, 2014 का जो पूर्ण बजट जुलाई में आया था और उसके बाद 2015 का पूरा फाइनेंशियल ईयर का बजट आया था, तब से अगले दो सालों में सरकार ने राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर, वित्तीय घाटे के मोर्चे पर चीज़ें बेहतर रखी थी, अपने नियंत्रण में रखी थी। उसकी दो वजह थी राहुल। पहली वजह तो ये थी कि 2-3 साल तक सरकार को कच्चे तेल की कीमतों से काफ़ी लाभ हुआ था, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें कम थी और सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी ऊंची कर रखी थी और उस समय सवाल भी बार बार उठाए गए थे कि जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं तो भारत में कीमतें क्यों नहीं घट रही। लेकिन उसने सरकार को एक बड़ा कुशन दिया था और सरकार ने उससे जो बड़ा रेवेन्यू कमाया था उसके कारण शुरुआत के दो तीन सालों में राजकोषीय घाटा काफ़ी बेहतर नियंत्रण में रहा। चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई जीएसटी आने के बाद जब सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज़ एक दूसरे में मर्ज हो गई, राज्यों को एक बड़े कंपेंसेशन पैकेज का वादा कर दिया गया और जब जीएसटी आया तो जीएसटी का राजस्व उस अपेक्षा के मुताबिक नहीं था जिसका अंदाज सरकार ने किया था। सरकार को अनुमान था कि करीब 1.5 करोड़ रुपये हर महीने के रन रेट के हिसाब से जीएसटी राजस्व लेकर आएगा, पर बाद में चुनावी दबावों के कारण जीएसटी में जिस तरह से रियायतें, रिलैक्सेशन और इंसेंटिव दिए गए, उसका नतीजा हुआ कि जीएसटी का राजस्व अब 1 लाख करोड़ से नीचे 90 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास है। इसने सरकार के राजस्व पर बड़ा दबाव बनाया। इस बीच में चुनावों के दौर के करीब जाते जाते खर्च भी तेजी से बढ़ा, सब्सिडी का बिल भी तेजी से बढ़ा, बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन का एक पैकेज भी दिया गया। इन सारी चीज़ों ने पिछले वित्त वर्ष से, मतलब आप 2017 के बाद से, 2017-18 और हम 2019 में हैं, 2017 के बाद से सरकार का पूरा राजकोषीय गणित बिगाड़ दिया। सर, लेकिन जिस तरह से शुरुआत के 2 साल में इनको वैश्विक स्तर पे भी राहत मिल रही थी और आप एक्साइज के जरिए टैक्स भी अच्छा बटोर रहे थे, क्या इसमें सरकार के खर्च करने के पैटर्न में भी कहीं गलती होती है कि केवल राजस्व कलेक्शन जीएसटी के तहत एकत्र उम्मीद से कम हुआ है इसलिए ये घाटा बढ़ता जा रहा है, या सरकार जो निवेश कर रही है 2 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो सेक्टर भी कुछ नुकसान पहुंचा रहा है कि उम्मीद के मुताबिक सरकार का जनरेशन नहीं हो पा रहा है कंटेंट, या घाटा बढ़ा रहा है? राहुल देखिए, इस सरकार के राजकोषीय घाटे को हमें 2 हिस्सों में बांटकर देखना होगा, एक जीएसटी से पहले का सरकारी हिसाब किताब और एक जीएसटी के बाद का सरकारी हिसाब किताब। जीएसटी से पहले के सरकारी हिसाब किताब में हमें सरकार सुविधा में, आराम में दिखाई देती। वजह दो थी कि एक तो जो एक्साइज और सर्विस के पुराने ऊंचे रेट थे उनके ऊपर, उन दरों पर टैक्स लिया जा रहा था। दूसरा, उससे पहले सरकार ने तमाम तरीके के सेस लगाए थे 2014 से 2016 और 17 के बीच में, उनसे राजस्व आ रहा था। तीसरा, जो बड़ा फायदा हो रहा था वो पेट्रोल डीजल पर ऊंचे टैक्स और कम लागत के कारण हो रहा था। और चौथा, राज्यों को जो हिस्सा दिया जा रहा था वो आज इस समय दिए जा रहे हिस्से से कम था। तो इस सारी चीज़ों ने सरकार को इतना कुशन दिया कि सरकार ने बड़े पैमाने पर, वित्त आयोग की, पिछले वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर्स किए राज्यों को। इसके अलावा निवेश भी किया, स्कीमों में पैसा भी खर्च किया जो सामान्य रूप से प्रक्रिया होती। हालांकि हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं देखा 2014 से 2019 के बीच में, जहां में लगे कि कोई बहुत बड़ी एकमुश्त बड़ी परियोजना आई हो जिसमें बजट का एक बड़ा हिस्सा गया हो। पर फुटकर अगर आप देखें तो रोड में रेलवेज में और पावर में और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में जो सामान्य रूप से खर्च बढ़ने की प्रक्रिया होती है, जिसे हमें मानते हैं कि जितनी महंगाई
बढ़ती है उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च सरकारें बढ़ाती हैं। तो हमने देखा कि सरकार के विभिन्न क्षेत्रों के आवंटन में 5 से लेकर 10, 12, 15% की बढ़ोतरी होती रही, 5 से 12% की बढ़ोतरी अलग अलग क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से होती रही थी। सिर्फ एक ही चीज़ कमज़ोर थी उस पूरे 2014 से 2018 के बीच में कि सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम उस तरह से नहीं लागू कर पाई जहां से अतिरिक्त रेवेन्यू आना था। लेकिन जीएसटी के बाद का दौर बिल्कुल बदल गया। जीएसटी के बाद के दौर में जो सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था इनडायरेक्ट टैक्स, वो घट गया और उसे राज्यों को उस नुकसान के बदले और ज़्यादा पैसा देना पड़ा। इसने और दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम प्राइसेस के कम होने का लाभ मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पिछले एक साल में पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ी जो अब वापस नीचे आ गई। तो अब सरकार को लास्ट के 2-3 महीनों में जब से कीमतें गिर रही हैं थोड़ा कुशन मिला है, लेकिन इस बीच खर्चे तो वही थे, सब्सिडी के बिल भी काफ़ी बढ़ चुके थे। इसलिए ये जो बजट की पूरी गणित या जो राजकोषीय घाटे की पूरी गणित बिगड़ी है राहुल, वो बिगड़ी है जीएसटी आने के बाद, उससे पहले तक की स्थिति नियंत्रण में थी।